नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे देश और प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना ने अपने पांव विंध्य क्षेत्र के रीवा संभाग तक पसार लिए हैं और बीते 24 घंटे के दौरान सतना जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनका सुरक्षित और व्यवस्थित उपचार किया जा रहा है। वहीं लगातार बढ़ रहे कोरोना बीमारी के बीच लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बीते 10 दिनों के दौरान 25 से ऊपर पहुंच गई है। वहीं 10 जिलों में 32 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें सबसे ज्यादा 9 संक्रमित भोपाल में मिले हैं, जबकि इंदौर में 6, जबलपुर में 5, नर्मदापुरम में 3, ग्वालियर, सतना और रायसेन में 2-2, दतिया, खंडवा और उज्जैन में 1-1 मरीज मिले हैं। जिसके बाद प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 170 हो गई है। आपको बता दें, लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर कोरोना बीमारी ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं लगातार संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच अभी भी लोग पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। हालात यह है कि कोरोना का असर रीवा संभाग तक पहुंच गया है और सतना जिले में 2 नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि सतना जिले में एक बार फिर से करीब 10 माह बाद 2 कोरोना वायरस के केस मिले हैं। दोनों शहर के ही निवासी बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रभात विहार कॉलोनी में 30 वर्षीय युवक और दूसरा केस कंपनी बाग में 48 वर्षीय महिला का है, जिनके अंदर कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। दरअसल दोनों को रैपिड एंटीजन किट के जरिए कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया था, जिसमें दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो गया। अब दोनों संक्रमित मरीजों को जिला प्रशासन के जरिए आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। हालांकि दोनों पेशेंट की हालत स्थिर बताई जा रही है और दोनों को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पहला केस प्रभात विहार कॉलोनी का निवासी युवक इंदौर से यात्रा कर 3 अप्रैल को सतना पहुंचा था। उसका स्वास्थ्य अचानक 5 अप्रैल को बिगड़ गया। ऐसे में जब युवक सर्दी खांसी के चेकअप कराने अस्पताल पहुंचा था, तब उसे डॉक्टरों ने निजी सलाह के तौर पर रैपिड टेस्ट कराने को कहा। जैसे ही उसने रैपिड टेस्ट कराया तो उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बावजूद भी आम लोग सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं।